गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, इन दिस लेक्चर वी शैल डिस्कस द की पॉइंट्स ऑफ द स्टोरी द सेल्फिश जियांट्स। आफ्टर रीडिंग की पॉइंट्स यू विल गेट एन ओवरव्यू ऑफ द स्टोरी द सेल्फिश जियांट एंड इट विल वर्क एज इक्वल टू समरी बिकॉज यू विल गेट द कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्टोरी। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट स्टार्ट। ए जियांट हैड ए लार्ज ब्यूटीफुल गार्डन। एक दानव के पास एक बहुत ही सुंदर बगीचा था। ही वॉज सेल्फिश, वो बड़ा सी स्वार्थी था। वाइल ही वॉज अवे टू विजिट ए फ्रेंड, जब अपने दोस्त से मिलने के लिए वो दूर था। चिल्ड्रन यूज टू प्ले इन द गार्डन, बच्चे उसके बगीचे में खेला करते थे। वैन द जियांट रिटर्न्ड, जब वो दानव वापिस आता है। ही वॉज एंग्री टू सी द चिल्ड्रन प्लेइंग देयर, वो क्रोधित हो जाता है बच्चों को अपने बगीचे में खेलता हुआ देखकर। ही बिल्ट ए हाई वॉल अराउंड द गार्डन, उसने गार्डन के चारों तरफ एक ऊंची दीवार बनवा दी। सो दैट द चिल्ड्रन कुड नॉट कम इन, ताकि बच्चे इस बगीचे के अंदर न आ सकें। एज ए रिजल्ट, नतीजा यह हुआ, द ट्रीज रिफ्यूज टू बियर फ्लोवर्स, जो उसके अंदर पेड़ थे उन्होंने फूल लाना बंद कर दिया। एंड फ्रूट्स भी आने बंद कर दिए। स्प्रिंग रिफ्यूज टू विजिट हिज गार्डन, और जो बसंत ऋतु होती है सबसे सुंदर, उसने भी उसके बगीचे के अंदर मना कर दिया। ओनली द फ्रोस्ट, केवल कोहरा, द हेल्स, जो ओलावृष्टि होते हैं, आंवले होते हैं वो, द नॉर्थ विंड, उत्तरी हवा जो जोर से चलती है, स्नो, बर्फ, डांस्ड देयर द होल ईयर, सिर्फ यही चीज़ें पूरी साल उसके बगीचे में नाचती रहती थी। वंस द सेल्फिश जियांट हेल्प्ड ए लिटिल बॉय टू सिट ऑन ए ट्री ब्रांच, जब उसने एक बार एक छोटे से बच्चे को पेड़ की टहनी पर बिठाया, ही नोटिस्ड द मिराकल, उसने तब एक चमत्कार देखा। द ट्री वॉज लैडन विद फ्लावर्स इवन विंटर, जो पेड़ था सर्दी में भी क्या है वो फूलों से लद जाता है, भर जाता है। द बॉय वॉज क्राइस्ट हिमसेल्फ, और जो बॉय था वो बच्चा था वो अपने आप में भगवान था। ही बोर नेल मार्क्स ऑन हिज पाम्स एंड फीट, उसके हाथों की जो हथेली है और उसके पैर है उन पर नाखूनों के निशान थे। ही किस्ड द जियांट हुज हार्ट वॉज चेंज्ड, वो बच्चा इस दानव को चूम लेता है, किस कर देता है, तो इस दानव का जो हृदय है वो बदल जाता है। पहले ये काफ़ी कठोर था, लालची था, ग्रीडी था, ये सेल्फिश था, स्वार्थी था, अब उसमें बदलाव आ जाता है। ही लेट द चिल्ड्रन प्ले फ्रीली इन हिज गार्डन, वो अब बच्चों को आज़ादी से अपने पार्क में खेलने देता है। एट लास्ट, अंत में, द लिटिल बॉय टूक द जियांट टू हिज ओवन गार्डन, वो छोटा बच्चा है जियांट को भी अपने बगीचे में ले जाता है। द पैराडाइज इज रिवार्ड, पैराडाइज होता है स्वर्ग, यानी कि रिवार्ड के तौर पर, इनाम के तौर पर वो बच्चा उसको अपने साथ ले जाता है। अपने साथ कहाँ, उसको स्वर्ग में ले जाता है, क्योंकि वो खुद में भगवान था। तो प्यारे बच्चों, आपको इस जो ये की पॉइंट्स है इनको अपनी फेयर कॉपी में लिखना है और इसको लर्न करना है एज ए समरी। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन एंड आंसर। ओके, थैंक यू।